हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज 8 अगस्त दिन गुरुवार, आज मैं आप सबको देश और विदेश की 25 सिलेक्टेड बड़ी खबरें बताने वाला हूं। इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लकी 25 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व इस वीडियो को भी एक लाइक कर दें। सबसे पहले आप सबको बता दें कि आज के दिन को इंटरनेशनल कैट डे के रूप में मनाते हैं। और वहीं भारत के इतिहास में भी 8 अगस्त आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने आज के ही दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी सन 1942 ईस्वी में। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया, 3 सितम्बर को होगा मतदान। वहीं इसी के साथ चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर का भी होगा दौरा, जल्द ही होंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट की 30 सितम्बर तक की लास्ट डेडलाइन थी, 20 अगस्त तक अपडेट होगी इसकी वोटर लिस्ट। वहीं इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत 500 से अधिक कंपनियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और 20 से बातचीत भी शुरू हो चुकी है। हाल ही में केंद्रीय बजट में सरकार ने युवाओं को इंटर्नशिप देने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत इंटर्न्स करने वाले हर छात्र छात्रा को हर महीने 5000 रुपये का भत्ता मिलेगा और एक बार की टूल किट सहायता राशि के रूप में 6000 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड के दावे पर एमपी हाईकोर्ट की कड़क टिप्पणी, कहा आप ताजमहल और लाल किला भी ले लेंगे। और हाईकोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी उस वक्त की गई है जब वक्फ बोर्ड में कुछ सुधार के लिए सरकार बिल पास करने वाली है। इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर, संसद भवन की सुरक्षा को लेकर किया गया बड़ा फैसला, सुरक्षा कर्मी पहनेंगे स्पेशल ड्यूटी कार्ड। वहीं आपको बता दें कि यह एक विशेष ड्यूटी कार्ड होगा जिसमें हर तरह की जानकारी होती है। यह फैसला संसद की सुरक्षा को देखते हुए सरकार की तरफ से लिया गया, क्योंकि हाल ही में कुछ लोग संसद में घुस गए थे और लोकसभा कक्ष में जमकर बवाल काटा था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिल्ली सरकार की ओर से आतिशी फहराएंगी राष्ट्रीय ध्वज, केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लिखा है पत्र। वहीं इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर, रजिस्ट्रेशन फेल हुआ तो देना पड़ेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना, अक्टूबर से लागू होगा यह नया नियम। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने पान मसाला और तंबाकू उत्पादकों के निर्माताओं के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब अगर निर्माता पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल होते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने इस प्रावधान के लिए 1 अक्टूबर की आखिरी तारीख को अधिसूचित किया है। इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर, रेल हादसों पर अब लगेगी लगाम, 4 साल में सभी लोकोमोटिव को किया जाएगा कवच प्रणाली से लैस। वहीं इस मामले पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिटेल्स बताते हुए कहा कि कवच 4.0 पर एक्शन में है रेलवे, ये 2 साल में ही रूट्स होंगे कवच से लैस, 8000 स्टेशनों के लिए जारी होगा टेंडर। वहीं इसी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे ने वर्तमान में 10000 लोकोमोटिव में से लगाने का ऑर्डर दिया है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में ट्रेन एक्सीडेंट की कुछ घटनाओं को देखने के बाद रेलवे में कवच सिस्टम को लगाने की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ भारतीय UPI पेमेंट से जुड़ी अगली बड़ी खबर, UPI से अब सिर्फ पेमेंट ही नहीं होगा, लोन भी ले सकेंगे आप, बैंकों की है यह नई प्लानिंग। वहीं इसी के साथ आप सबको बता दें कि हाल ही में UPI पेमेंट के साथ क्रेडिट फीचर भी आया, लोगों को काफी पसंद आया, महीने भर में हुआ 10,000 करोड़ से ज्यादा का लेन देन। वहीं इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर, वायनाड भूस्खलन में प्रभावित लोगों से लोन मांगना है निंदनीय, केरल सरकार ने दिया बड़ी चेतावनी। वहीं इस घटना में जिन परिवारों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया उनका सरकार कर्ज माफ कर सकती है। वहीं इस मामले पर केरल सरकार का साफ कहना है कि भूस्खलन से प्रभावित लोगों पर लोन वापसी का दबाव बनाना निंदनीय और अमानवीय है। वहीं इसी के साथ आप सबको बता दें कि विशेष विमान से 10 अगस्त को जाएंगे वायनाड PM नरेंद्र मोदी और पीड़ितों से करेंगे मुलाकात और उनकी कर सकते हैं मदद। वहीं इसी के साथ भारतीय किसानों से जुड़ी अगली बड़ी खबर, सरकार ने किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दे दी। वहीं इसी के साथ आप सबको बता दें कि सरकार ने किसानों द्वारा 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने की स्कीम की मंजूरी दी है जिसमें 7% तक इंटरेस्ट रेट रहता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, WHO ने भारत समेत 16 देशों को जानलेवा रोगाणु से किया है अलर्ट, WHO ने किया सतर्क, कहा निगरानी तंत्र को नाकाफी बताया और उसको भी चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि भारत सहित 16 देशों में हाइपर विरुलेंट क्लेवेसिया निमोनिया का एक खतरनाक जीवाणु वायरस फैल रहा है। वहीं इसी के साथ भारत में फैलने वाले और भी कई वायरस हैं जो अलग अलग राज्यों में जिनका कहर व्याप्त है। आपको बता दें कि जीका वायरस, पुणे में जून से अब तक जीका वायरस के 66 मामले सामने आए, 26 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं और 4 की इसमें मौत भी हो चुकी है। वहीं जीका वायरस के बाद आप सबको बता दें कि राजस्थान के शाहपुरा में मिला पहला मामला चांदीपुरा का, जिसमें 2 साल की बच्ची का अहमदाबाद में इलाज जारी है।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 55.2% की बढ़ोतरी, दोपहिया वाहन सबसे आगे, फाटा ने दिस की जानकारी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत यूपी और बिहार में 4 प्रमुख परियोजनाएं शुरू करेगी केंद्र सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में 4th स्थान, परियोजनाओं में 7,00,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने हेतु NCAA ने डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया, जो कि देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक गंभीर पहल है। वहीं इसी के साथ भारत देश के लिए अगली बड़ी खबर, भारत विश्व बैंक की सहायता से हरित राजमार्ग बनाएगा। वहीं इसी के साथ आप सबको बता दें कि 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। वहीं इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर, देखते हैं आज के मौसम का हाल। देश का मानसून ट्रैकर आपको बता दें कि यूपी में गंगा, यमुना और बिहार में 3 नदियां उफान पर हैं। राजस्थान में भी वह बाढ़, घरों में 5 फीट तक भर गया पानी। 10 राज्यों में है बारिश का हाई अलर्ट। वहीं इसी के साथ अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ मौसम के बाद देखते हैं सोने व चांदी का भाव। सोने और चांदी कीमतों में आई है गिरावट। आपको बता दें कि सोना अभी 276 रुपये गिरकर 68,906 रुपये पर आ गया, वहीं चांदी 79,145 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। वहीं इसी के साथ शेयर मार्केट से जुड़ी अगली बड़ी खबर, 3 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार तेजी। वहीं डिटेल्स में आप सबको बता दें कि सेंसेक्स 874 अंक चढ़कर 79,468 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी में भी 304 अंक की तेजी रही। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हालात चिंताजनक है, उस पर आप सबको बता दें कि बांग्लादेश में 50 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई, वहीं आवामी लीग के 2 सांसदों सहित 100 से अधिक नेताओं के घरों पर भी हमले किए गए। इसी के साथ बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी बांग्लादेश में कोई जगह नहीं है, आंखों के सामने तोड़े जा रहे मंदिर मकान। और इसी के साथ आपको बता दें कि बॉर्डर की ओर सैकड़ों लोग रवाना हो गए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, रामदेव के बाद सदगुरु जगदीव वासुदेव ने भी दिया यह बड़ा बयान। वहीं इसी के साथ बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के कारण 300 करोड़ का कारोबार ठप हो गया, स्कूटर पार्ट्स मार्केट भी है चिंता का विषय। वहीं इसी के साथ आपको और भी बताते हैं कि बांग्लादेश से भागी शेख हसीना भी भारत में ही रहेंगी, दावा है कि इनका अमेरिकी वीजा भी रद्द किया गया और ब्रिटेन में भी इन्हें पनाह की उम्मीद नहीं है। वहीं इसी के साथ पेरिस ओलंपिक से जुड़ी अगली बड़ी खबर, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर वापस भारत लौटी, दिल्ली एयरपोर्ट पर माता पिता ने माथा चूमा, गले लगाया, कोच के साथ खुली गाड़ी में निकली। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उनका किस तरह से जोरदार स्वागत हुआ। वहीं इसी के साथ ओलंपिक में एक दुखद खबर भी देखने को मिली कि विनेश फोगाट को फाइनल से बाहर कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि विनेश ने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए खिलाफ अपील की, बोली मुझे सिल्वर दिया जाए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज फैसला सुनाएगा। वहीं आपको बता दें कि विनेश फोगाट सेमीफाइनल से बाहर हो गए क्योंकि उनका 50 किलो से 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला। वहीं इसी के साथ विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी, कहा आप चैंपियन हैं। वहीं इसी के साथ विनेश फोगाट पर सचिन तेंदुलकर ने भी प्रतिक्रिया दी, कहा सिर ऊंचा रखो, पूरा देश आपके साथ है। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगाया फटकार, कहा कि 5,000 से ज्यादा केस है और सजा केवल 40 में हुई है, एजेंसी साइंटिफिक सबूत भी जुटाए। वहीं इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे आदेशों का पालन करना यानी संवैधानिक दायित्व है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि शीर्ष अदालत खुद को वास्तविकता से ज्यादा सर्वोच्च मानती है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कुछ बयान सामने आया। इसी के साथ आप सबको बता दें कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की बेंच वाली बैठक ने संज्ञान लिया और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी को चिंता का विषय बताया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि हमारे आदेशों का पालन करना मतलब संवैधानिक दायित्व तो है। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दिल्ली के राव IAS कोचिंग हादसे की होगी अब CBI जांच, मालिक पर FIR दर्ज हो गई और 11 दिन पहले बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। वहीं इसी के साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी अगली बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर से आगरा मथुरा के स्मारकों का कर सकेंगे दीदार, 15 अगस्त से मिलेगी हेलीकॉप्टर की सुविधा। वहीं इसी के साथ उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी अगली बड़ी खबर, यूपी में बच्चों को प्रतिमाह मिलेंगे 2,500 रुपये, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उठा सकते हैं लाभ। वहीं कौन लोग इस योजना के पात्र हैं, आप सबको बता दें कि जिन बच्चों बच्चियों के माता पिता की मौत हो चुकी है उन बच्चों को 2,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसी के साथ आज की अगली व अंतिम खबर, केदारनाथ में यात्रा के लिए शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, किराए में भी 25% है छूट। आपदा के कारण 1 जुलाई से बंद थी केदारनाथ यात्रा, कल यानी बुधवार से शुरू हो चुकी है।
तो इसी के साथ दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की खबरें, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।